तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आज 19 मई 2020 आज के जन्मे बच्चों की राशि क्या होगी, नाम राशि क्या होगी तथा उनका भविष्यफल कैसा होगा। तो मैं संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। अगर आपको संपूर्ण जानकारी लेनी है या व्यक्तिगत अगर आपको संपर्क करना है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपको उचित संपर्क प्रदान करूंगा जिससे आप मुझे संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। तो आज है 19 मई 2020, आज दिन जो है मंगलवार है और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है तथा विक्रम संवत 2077 है और आज का जो पंचांग है उसके हिसाब से जो द्वादशी तिथि है वो 5:31 PM तक रहेगी, उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि लगेगी तथा आज जो नक्षत्र लग्न बन रहा है वो रेवती नक्षत्र जो है 7:54 PM तक रहेगी और इस प्रकार अश्विनी नक्षत्र उसके बाद में होगा। तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आज राशि का निर्धारण होगा तो आज जो सूर्य जिस राशि में है वो राशि है वृषभ राशि तथा चंद्रमा जिस राशि में है वो मीन राशि है और 7:54 PM तक जो है मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे। तो हम अगर राशि अनुसार अगर हम नामकरण करते हैं तो राशि अनुसार हमारा नामकरण उसी प्रकार से रहेगा। च अक्षर या ला अक्षर या अ अक्षर, इन तीनों अक्षर के माध्यम से आज आप अपने बच्चों के नामकरण कर सकते हैं तथा लग्न और नक्षत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। लग्न नक्षत्र के माध्यम से आप जो है चूँकि रेवती नक्षत्र तथा उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र होगा तो आप जिन बच्चों का जन्म 20 मई 2:36 AM से पहले होता है उनका नाम आप द या ड इन दोनों अक्षर से भी आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आज आप नामकरण रख सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार का जो है इनका भविष्यफल रहने वाला है, इनके भविष्य में इनका कैसे क्या इनका कुछ रहेगा वो मैं आज आगे आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, देखते रहें। तो जो मीन राशि है उनके स्वामी गुरु होते हैं और नक्षत्र से संबंधित है जो करुणा के देवता हैं, जबकि केतु जो है वो पूर्णता की ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब अगर हम बात करें कि किस प्रकार की शक्ति आज के जन्मे जातकों में होगी तो आज के जन्मे जातकों में रचनात्मक चिंतन, स्वतंत्र, भाग्यशाली, सबके पसंदीदा सहायक होंगे तथा दूसरों से समर्थित होंगे और कला के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होंगे। अगर हम बात करें कमजोरियों की तो द्वेषपूर्ण, विशेषकर जब से उसे चोट पहुँचाई जाए या उससे ईर्ष्या की जाए तो अति आसक्त अन्य लोगों से बहुत अधिक समस्याएं उठाता है जिसके परिणाम स्वरूप खराब स्वास्थ्य, अनैतिक व्यवहार, संदेहास्पद प्रवृत्ति, अल्प उर्वरता और बहुत अधिक देने वाला, जब बदले में कुछ न मिले तब क्रोधित। और अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र क्या रहेगा तो दान कार्य, मानवतावादी, शहरी योजनाकार, सरकारी कर्मचारी तथा मनोवैज्ञानिक तक ये बन सकते हैं। रहस्यमय या धार्मिक कार्य भी ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र तथा अश्विनी नक्षत्र के मध्य होता है तथा सूर्य और चंद्रमा अगर वृषभ और मेष राशि में बनते हैं तो ऐसा योग बनता है कि रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग प्रसिद्ध लोग होते हैं जो कि व्हिटनी ह्यूस्टन, मार्लोन ब्रेंडो, रविंद्रनाथ टैगोर, इस प्रकार के जो इनका जो जन्म है वो इसी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तथा इसी लग्न और इसी जातक के अनुरूप हुआ है। और इनके अनुकूल गतिविधियों की बात कर लेते हैं तो वे व्यापारिक या वित्तीय मामले बहुत ही आसानी से सुलझा लेते हैं। माल का लेन देन, संगीत, नाटक, रचनात्मक गतिविधियाँ, दान कार्य इत्यादि भी बहुत आसानी से संपूर्ण कर लेते हैं। अब बात करेंगे प्रतिकूल गतिविधियों की कि ये क्या नहीं कर पाएंगे तो कठोर रणनीति या साहसिक कार्य से संबंधित गतिविधियाँ नहीं कर पाएंगे, बाधाओं से उभरना नहीं जान पाएंगे, शत्रुता से नहीं निपट पाएंगे तथा आपदा तीव्र क्रियाएँ जो होती हैं उनसे नहीं निपट पाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये जो कार्य मैंने जो बताए हैं वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाएंगे। अब उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप कमेंट में मुझसे पूछोगे कि उपाय क्या है,
और किस प्रकार से क्या करें। तो इसलिए मैं अभी इसी वीडियो के माध्यम से, चूँकि आज हम ये पहला बना रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें भी हम क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट वगैरह सभी करते जाएंगे। अगर जैसे कोई क्वेश्चन लगे आपको तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, ताकि वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट अपने वीडियो में ला सकूँ और उसका सुधार मैं कर सकूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जितना पॉसिबल हो उतना अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ, या आपको आपकी हेल्प करूँ, आपकी मदद करूँ। तो अब उपाय की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म जो है रेवती नक्षत्र तथा मीन राशि के अंतर्गत होता है, और जिनका प्रथम पाड़ा से लेकर के तीसरे पाड़ा के अंतर्गत जो जिनका जन्म होता है, उनके लिए मैं कुछ खास उपाय बता रहा हूँ। उनके लिए आप वेदों के द्वारा निर्धारित है कि जो महुआ होता है, उस महुआ की धूप नामक उसमें जड़ी बूटी अगर आप निर्मित कर सकें। महुआ अगर किसी लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग अभी शहर सिटी में रहते हैं, गाँव में तो आजकल इतना रहन सहन रहा नहीं, तो आप मार्केट में जाकर के वहाँ पे भी जांच कर सकते हैं। जो गल्ला जो रखते हैं व्यापारी, तो उनके पास आता है शायद, और वो महुआ रखते हैं, तो उस महुए और गोबर की आप उपले जो रहते हैं उनको लेकर के दोनों को मिक्स करके आप उनसे धूप जो तैयार कर सकते हैं, और वो धूप तैयार करके आप इस धूप को, अगर ये जो विशिष्ट नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, अगर इस विशिष्ट नक्षत्र में एक लघु एक छोटा सा अगर अनुष्ठान करने के लिए उनसे कहेंगे, यज्ञ करने के लिए, इस ये जो धूप रहेगी इसको आप जो है जलाते रहें और इसमें से महुआ थोड़ा थोड़ा डालते रहें, तो ये विशिष्ट जन्म नक्षत्र के निमित्त किए गए इस लघु अनुष्ठान के द्वारा आप ग्रहों की आंतरिक ऊर्जा से जुड़कर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम जरूर होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये आज का उपाय है, आज के दिन में बच्चों के लिए आज का उपाय है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए तथा पूर्ण रिपोर्ट भविष्यफल। और तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आज 19 मई 2020 आज के जन्मे बच्चों